एक टैंकर आता है, कहीं जाता है, नलका चला के भरते है, एक टैंकर आता है, उधर उधर भाग के भरने पड़ता है। सारा कैसे खरीद के पीते हैं और क्या करना है, खरीदना पड़ता है। भरने जाते हैं तो वहाँ पे मारपीट हो जाता है, टैंकर आता है तो। जब से हमारा केजरीवाल ने गया जब से पानी की वही दिक्कत, पानी बिजली हम लोग को दे बस, और कुछ नहीं चाहिए कोई सरकार रहे। हमारे मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, जहाँ हम रह रहे वहाँ मुझे रहने के मालकाना हक चाहिए। 5 किलो अनाज फ्री देता है क्या? एक आदमी 5 किलो अनाज खा करके पूरे महीना दिन काट लेगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवाली। तो जैसे कि आप जानते हैं, हर बार की तरह राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार पानी की किल्लत हो गई है। लोग इस भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, ना ही इनको पीने के लिए पानी मिल रहा है, ना ही नहाने के लिए पानी मिल रहा है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम भी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आए हैं, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे। हम एक झुग्गियों में आए हैं जहां के लोग बड़े ही परेशान हैं, उनसे हमने बात करी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है पानी की कमी को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? जोगिंदर साफे। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। क्या कहेंगे, कब से पानी की किल्लत हो रही है आप? अरे जब से हमारा केजरीवाल ने गया जब से पानी की वही दिक्कत हो रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली बिल भी ऐसे महंगा कर दिया जैसे पता नहीं पैसे वाला है। हम लोग जब बाहर थे केजरीवाल तो दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही थी हम लोग को, 0% पे बिल आते थे, चाहे कूलर चला लो, पंखा चला लो, कुछ भी चला लो, पानी भी एनी टाइम मिलते थे हम लोग को। तो क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए फिर तो? अगर उनके जाने के बाद से नहीं हो रहा, किसी और को दे देनी चाहिए वो भूमिका, क्या पता फिर पानी की किल्लत दूर हो जाए। नहीं, हमारा केजरीवाल आना चाहिए बाहर। अच्छा। केजरीवाल ही पानी चाहिए के केजरीवाल? केजरीवाल भी चाहिए, पानी भी चाहिए। आप इस्तीफा देंगे, किसी और को लाएंगे तो फिर जिम्मेदारी वो किसी और? फिर भी नया आदमी आएंगे तो वो भी समझने में तो वही हाल लगाएंगे, साल भर 6 महीना लगाएंगे देखने सुनने में। कोई भी नौकरी पर जाएंगे तो वो तो नौकरी के सिस्टम पहले पकड़ेंगे ना, तो ऐसे भी तो हम लोग तो फिर तो ऐसे प्यासा मर जाएंगे फिर हम लोग। अच्छा, पानी भी चाहिए, केजरीवाल भी चाहिए? हाँ जी। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहते दिल्ली में काम ने मोदी जी सारा बंद करा दिया, मोदी जी जीत गया अपना वो बन गया है, लेकिन गरीब लोग को मोदी जी भूख मान रहा है। कैसे कैसे काम धंधा चौपट कर दिया है, ऐसे काम धंधा कोई नहीं है, गरीब लोग भूखा मर रहा है। अगर मोदी जी जीता है तो हम गरीब लोग का काम दो ना करने के लिए, तभी तो हम समझेंगे मोदी जी हमारे गरीब के लिए जीत गया है। कह रहे अब कल ही शपथ लिए, शायद आगे आपके लिए रोजगार निकले। शायद आगे हो या हम आगे भी हो तो अच्छे हो, कहाँ कोई रोक जाग कर दिया। हम सब गरीब लोग रोड पर भटक रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। पानी की क्या स्थिति इस इलाके में बनी? पानी की स्थिति नहीं आ रहा, पानी स्थिति इलाका। अब लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? हम लोग कैसे करते, एक टैंकर आता है कहीं जाता है, नलका चला के भरते हैं, एक टैंकर आता है, उधर उधर भाग के भरने पड़ता है। कितने बच्चे हैं आपके घर? मेरा 4 बच्चे है घर में। फिर क्या टाइमिंग क्या है यहाँ पे पानी? पानी आने का टाइमिंग 7 बजे है। 7 बजे पानी? हाँ। कितने समय से आपको ये परेशानी हो रही है? कितने समय से नहीं, पहले पानी बहुत अच्छे आते थे, इधर नहीं आने लग गया है पानी 1-2 महीने से, पानी की समस्या। एक दो महीने जब से केजरीवाल जेल गया ना, तब से पानी है एकदम बुरा हाल हो गया है। मतलब केजरीवाल अगर बाहर आ गए तो पानी भी वापस आ जाएगा? केजरीवाल बाहर, देखो केजरीवाल आए ना आए, चाहे मोदी जीते सरकार वो है, लेकिन यहाँ सब कुछ तो गरीब को मिलना चाहिए ना। बस सरकार मोदी रहे चाहे कोई भी रहे, गरीब को अधिकतम सुरक्षा रखना चाहिए। अब हम लोग तो मोदी जी पर है ना, सरकार वो है तो हम गरीब उसी पे है ना, काम धंधा मिले हम सबको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो दिल्ली की जो रेख देख है वो तो अभी केजरीवाल सरकार ही संभाल रही है। तो आतिशी ने अभी मतलब बयान भी दिया था कि भाई हमें पानी का, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, शायद हर साल ये परेशानी दिल्ली में होती है। मतलब क्या, अगर आप जैसे कह रहे हैं केजरीवाल को लेकर, तो अगर केजरीवाल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए? अगर केजरीवाल अगर वो काम नहीं संभाल रहा तो कोई और सरकार के दोगे काम? वो तो देखे जेल में अभी। देखो अगर वो अपना जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा, किसी और को दे रहा तो वो भी अपना काम संभारे, गरीब को देखे, हर अपना रन रस्ता संभारे, हर काम संभारे, गरीब को देखे,
कौन सा कहाँ समस्या है वो अपना समस्या का हल करे, कोई भी सरकार बने। क्या कहेंगे हम, क्या बोले? पानी की समस्या पहले था, अभी भी पहले मीडिया थी, जब से यही उस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो मीडिया वाले सब आया, अरे बच्चे साइड हो जा, मीडिया वाले सब आया ना तो अब पानी है ना थोड़ा आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है पानी। कह रहे हैं दो महीने से तो पानी आ ही नहीं रहा। दो नहीं, पानी नहीं आ रहा था, ये 10 दिन से आ रहा है पानी। जब मारपीट हुआ ना, लड़ाई झगड़ा हुआ ना पानी के चक्कर में, तो दोनों तरफ के लोग, चारों तरफ के लोग वहाँ पानी भरता था, मारपीट होता था। जब से मीडिया वाले सब आया ना, देखा उखा सब, फोटो खींच के सब मीडिया वाले सब आया, तब है ना जो पानी दे रहा है। पानी बिजली जैसे सब फ्री था, अब आप कह रहे हैं कि आपको पैसा भी भर रहे हैं आप बिजली। बिजली पैसे, बिजली का पैसा नहीं भरेगा तो कहाँ से भरेगा? हमारी सबके वहाँ 13,000-14,000 का मेरा बिल आया हुआ है। तो केजरीवाल सरकार ने तो पानी और बिजली फ्री दी। कोई फ्री नहीं है, देखो 200 यूनिट है फ्री दे रखा है। आज इसका दो एक घर, दो तीन घर है, पंखा है, अभी गर्मी है तो बढ़ेगा ना, तो कोई फ्री नहीं है, कोई अति नहीं है, सब अपना अपना सरकार अपना मतलब की है। हाँ, वोट लेने के है तो सरकार मिल जाएगा, पब्लिक के सबको कहेगा कि मेरा वोट दे दो, मैं या करूंगी वा करूंगी, गरीब के लिए सब कुछ करूंगी, वोट लेकर सब अपना अपना साइड हो जाता है। हम लोग को तो बड़ी दिक्कत है, बुढ़ापा में पानी लेने जाते हैं मार करके। क्या उम्र होगी आप? हम यही कहते हैं कि जब पानी बिजली हम लोग को दे बस, और कुछ नहीं चाहिए, कोई सरकार रहे उससे हमको मतलब ना है। गरीब हमारा बच्चा 20 दिन बैठ करके यहाँ से चले गया, 5 परिवार खाने वाला था बेटा, कहाँ से क्या होगा? हम कमाने वाला हैं कि कमा करके देंगे बच्चे सबको? क्या कह रहे हैं? जब होगा तब ये ना होगा। ये कह रहा है जे सरकार बैठ गए हैं तो गरीब के काम धंधा मिलना चाहिए अभी तो। अरे आंटी जी, कल ही तो शपथ ली, एक दो दिन का तो मौका दी। वही बात का, हाँ तब हो गया, जब बाद में यो बाद में बात करेंगे। तो अभी शपथ लिया है, आगे अब देखो क्या करता है। कल ही अभी देखे, एक दो दिन अभी शपथ लिया है, शपथ लिया है तो कोई नहीं, कोई सरकार शपथ लिया है, बस गरीब को काम करो। अच्छा माल भी चल ले, DST मोदी सरकार के कहता हूँ, DST कम कर दे, मोदी सरकार के कहता हूँ मैं, DST कम कर दे, DST पर कच्चा माल भी जाएगा, गरीबी के भी कम रोजगार आएगा, DST कम कर दे। नहीं देगा तो आगे भी सरकार नहीं कोई बनाएगा, है कि नहीं? कोई भी सरकार हो बैठे, कल तू शपथ लिया, अब कल से, कल शपथ लिया, अब देखो 2-4 दिन में क्या काम करवा रहा है। कोई भी सरकार हो बैठे, रोजी रोटी दो। केजरीवाल सरकार ने बहुत वादे किए, आतिशी ने जो नेता है मंत्री यहाँ की, उन्होंने भी कहा कि भाई हम दिल्ली में कोई परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन आप जैसे लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी से जूझना पड़ रहा है, पानी की किल्लतों से जूझना पड़ रहा है, क्या पानी के तो पानी पर प्रॉब्लम ज्यादा था ना, आप तो थोड़ा दोनों तरफ गाड़ी आ रहा है, दोनों तरफ गाड़ी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा मोदी तोड़ देगा गरीब का बात, नहीं समझ रहे, झुग्गी तोड़ेगा। कोई भी सरकार आएगा तो झुग्गी टूटबे करेगा, ये सरकार ही है, कोई भी सरकार बैठे ना तो झुग्गी टूटबे करेगा, ये नहीं है जब मोदी का बाप का। अगर आपकी झुग्गी अवैध जगह पर बनी हुई है तो वो टूटेगा, मोदी के जिताया है इसलिए तो, मोदी तो गरीब का जो सब महंगाई है, रोजगार दो, महंगाई है कम करो, कहाँ से गरीब खाएगा? कल तो शपथ लिया, तुमसे दिमाग नहीं है, कल तो शपथ लिया, शपथ लिया भाई, कुछ भी लिया, जिता दिया ना, बात खत्म है। महंगाई कम करो, 5 किलो अनाज फ्री देता है, क्या एक आदमी 5 किलो अनाज खा करके पूरे महीना दिन काट लेगा? नहीं कटेगा, फिर रोजगार दो ना, कोनो रोजगार तो दो, बाल बच्चा करेगा और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ मालिकाना हक दो। हमारे मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ मुझे रहने के मालिकाना हक चाहिए, तो वहाँ तो काम नहीं रहेगा तो फिर जा करके क्या करेंगे, खाली घरे देख करके चाटेंगे। चलिए आप आंटी जी, सरकार रहना चाहिए मगर जैसे रहती ना सरकार वैसे रहना चाहिए, गरीबों का मदद करना जरूरी है। मोदी जब जिता रहे हैं ना तो मोदी पब्लिक पर ध्यान दो, कैसे मैनेज करते हैं इतने कम पानी में? नहीं होता है, पुण्य नहीं पूरता है,
ये पानी नमक वाले पानी से नहाते सुनाते हैं, कपड़ा लत्ता धोते हैं। और इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी है, क्या करूं? अब गरीब है, गरीब ना इतना चलेंगे, अब थोड़ी है कौन। महंगाई कम करो, पानी की किल्लत ना दूर हो। पानी भी नहीं दोगे तो पिएगा कौन चीज, खाएगा कौन चीज? पानी में बहुत मारपीट होता है, वो तो दया चार पांच दिन से है ना, जब ऐसे मीडिया वाले आ गया ना तो सब कुछ हुआ, तब ये गाड़ी इधर आ रहा है, ये गाड़ी इधर आ रहा है, तभी भी पानी नहीं चुभ रहा है, तभी भी पानी नहीं आ रहा है, आधे आधे गाड़ी पानी आ रहा है, किसी के पानी होता है, किसी के पानी नहीं होता है। सरकार से क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? दिल्ली सरकार के क्या, पानी दो, बिजली भी कह रहा है कुछ भी नहीं दिया, ऐसे कह रहा है। पर ये तो वोट भी देखे, वोट तो ये इसी चीज पे मांगते हैं कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, और अब वही फ्री नहीं, कुछ भी नहीं फ्री दिया है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। क्या कहेंगे, पानी की किल्लत कैसे हो रही है यहाँ पे, कब से हो रही है? पीने के लिए नहीं आता है सब, बहुत जब से आई हूँ मैं इस गली में, नहीं थी जैसे आई हूँ जब से, तब से पानी नहीं आता है। अच्छा, मतलब पानी खरीद सारा कैसे करते? खरीद के पीते हैं, और क्या करना है, खरीदना पड़ता है। भरने जाते हैं तो वहाँ पे मारपीट हो जाता है, टंकर आता है तो एक ही टंकर आता है, उसमें मारपीट होता है भरने समय आता है वो टंकर, सुबह का आता है 10 बजे, कभी 11 बजे से ही, सुबह 7 बजे भी आ जाता है कभी कभी, टाइमिंग नहीं है, मतलब वो आने टाइमिंग नहीं है। नहीं, तो इतनी परेशानी आप लोगों को हो रही है, तो कुछ यहाँ पे कंप्लेन वगैरह नहीं की गई? आप कंप्लेन क्या, कोई चीज आते हैं जिसको कंप्लेन करो कोई सुनता है कोई काम के लिए, सरकारी काम में सुनता ही नहीं है, अगर कंप्लेन करो तो बस सुन लिया बस हो गया। अच्छा, इतना ही है, वही बात खत्म कर दीजिए, वही खत्म ना किया, सुन लिया बस हो गया। आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर आता है ये पूरा जो भी देख रेख है पानी और बिजली की, तो वो लोग कभी नजर आए? नजर आते हैं कभी कभी, वो नाली उली के विषय में आते हैं साफ उफ करने के लिए, फिर आते हैं थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। पानी की दिक्कत नहीं, पानी के बारे में अभी तक मैं नहीं आया, जब तक आई हूँ ना मेरे को 6-7 महीने इस गली में हुआ है, तब से नहीं आए। क्या नाम है भाई? उमरजीत। यहाँ कब से रह रहे इस इलाके में? 20 साल से। तो देखिए ये स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, हर साल जो है पानी की किल्लत होती है, आप लोगों को ये गर्मी 45 पारा पहुँच रहा है, 50 पारा पहुँच रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं इससे बिना पानी के? पानी इधर उधर से आ रहा, खरीद के भी आ रहा, टनकर कभी करा आता है। अच्छा। ना नाली साफ होता, ना कुछ साफ ही करने वाला आता है, गंदगी पूरा पड़ा रहता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। 4 बच्चे, बड़ी फैमिली है? पूरे बड़ी फैमिली है। तो फिर बच्चे भी है, आप भी हैं, फिर कैसे सारा कुछ आप इंतजाम करते हैं पानी का, कैसे करते हैं? टनकर आता है वहाँ से भर के आता है, कभी यहाँ अंदर कोई पानी नहीं आता है। पानी आप ही धोते हैं या पत्नी भी साथ में लेने जाते? सब जाते हैं, कभी कोई काम पे जाते हैं, कभी मैं ले आता हूँ, कभी बच्चे ले आता है। मतलब कि भारी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? भारी परेशानी। कब से हो रही है ये परेशानी? काफी दिन से चल रहा। तो इसको लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं की गई? कंप्लेन होता है, जब थोड़ा सा होता है तो सही होता है, फिर बिगड़ जाता। इलाके के विधायक के पास गए आप लोग? कई बार गया, कई बार आया। क्या बोल दिया जाता? बोलता मिलेगा मिलेगा, बस ऐसे होता रहता, ऐसे ही बोल दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ कहा गया, क्योंकि पानी के नाम पर ही वोट मांगते हैं वो लोग तो, और अब पानी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ मिलते हैं? पानी आते हैं, टनकर आते हैं, उसमें भी मारपीट होता रहता भरने के लिए। अच्छा। पूरा नहीं हो पाता पानी। अच्छा। पानी जो आता है उसमें भी मारपीट होती है? मारपीट होता रहता है। अच्छा। तो सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? क्या गुहार लगाएंगे, पानी घर घर भी देना चाहते हैं, सब जगह सही रहेंगे, और इधर उधर पानी आता है ना, सफाई सुथरा भी होता है, वैसे परा रहता है।